are watching NTTV News, News Telangana Television. कि आज ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो पिछले 2015 के अंदर जो फूड इंस्पेक्टर थे जिसकी तादाद 7 थी, जिसके बाद 2010 में और 2012 वो एक 5 हो गए और पिछले 3 साल पहले अब प्रजा 3 फूड इंस्पेक्टर्स है और इसके जरिए सिर्फ फूड इंस्पेक्टर का काम होटल्स को और ये तमाम चीज़ों को देखना नहीं और ये 3 के 3 आज शहर हैदराबाद के अंदर हो या तेलंगाना के अंदर जो भी वीआईपीस आते चाहे वो हमारे सीएम साहब हो या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर साहब हो उनको प्रोटोकॉल देखना ज़रूरी है मगर आज शहर हैदराबाद के अंदर देखते होंगे जो ग्रेटर हैदराबाद हमारा जो शेरलिंगमपल्ली से शुरू होकर नाचाराम तक जाता है और इसके अंदर कई होटल्स बड़े रेस्टोरेंट और कई जगह पर और आप देखते होंगे जो आज खास तौर से हर चीज़ के अंदर मिलावट होती है चाहे वो दूध हो या दीगर चीज़ें हो अब तो हद तो ये हो गई हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो खाने की पकवान के जो चीज़ें हैं चाहे ज़ीरा या घी के अंदर या अदरक लहसुन के अंदर भी जो मांस का छिलटा डालकर ये तमाम चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा है और इसके ऊपर ये फूड इंस्पेक्टर सिर्फ केस बुक कर कर कोर्ट को भेजते हैं हमारे कोर्ट को भेजने से नहीं इनके ऊपर कोई एक्शन या दूसरे जने कोई ऐसे गलत काम ना करने की वजह से सोचने के ऊपर मजबूर होने के लिए या हुकूमत के पास कोई वो है क्या मैं आपके जरिए हुकूमत को पूछना चाह रहा हूँ गौरव मिनिस्टर सर मोहम्मद मदन खान बहुत बहुत शुक्रिया साहब आज का जो क्वेश्चन है